आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आपको पता है कि मैं नेक बैंड्स के बहुत सारे कंपैरिजन रिव्यू वगैरह बहुत सारे करते रहता हूँ। मेरे सबसे पहला जब मैंने एयरफोन लिया तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इतने सारे में वीडियोस का मैं एक्सपीरियंस करूँगा और मैं इतने सारे वीडियोस में बनाऊँगा। आप पूरे यूट्यूब पर देख सकते हो, मेरा अकेले का एक चैनल है जिसने कम से कम 300 के ऊपर वीडियोज़ मतलब मेरा हो चुका है ऑलरेडी एयरफोन के ऊपर। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई इतने सारे रिव्यूज़ मैंने करके देखे। मेरा जो रिव्यू होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं किस तरह से रिव्यू करता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो और आपको कुछ ये ना हो। देखो, मैं रिव्यू करता हूँ हमेशा फ्लिपकार्ट से। जब भी मैं प्रोडक्ट एक साथ 10 मंगा लेता हूँ, 10 मंगाने के बाद में क्या करता हूँ कि मैं उसे पूरा 3 दिन तक ना उसे चेक करता हूँ। 3 दिन तक चेक करने के बाद में उसका मैं एक बुक में लिख के रखता हूँ कि भाई उसके क्या 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 अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद में क्या करता हूँ, तीसरा ही दिन जैसे मैंने उसे लिख लिया ना, तो मैं उसे रिटर्न कर देता हूँ, यानी कि रिफंड में डाल देता हूँ। तो मुझे जो नेक्स्ट डे जो होता है वो काफ़ी मेहनत मुझे होता है, बिकॉज मैं एक साथ में ऐड टू कार्ट करके मैं सभी को मंगाता हूँ और एक ही साथ को मैं सबको रिटर्न भी कर देता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा काम मेरा आसान थोड़ा हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मेरे को फिर से फिर मंगाना पड़ता है ऐसे। तो इस तरह से मैं रिव्यू करता हूँ, इस वजह से मुझे एक दिन में मुझे 10 वीडियो मुझे बनाने पड़ते और मेरा हालत में आज मैं वीडियो शूट करूँ, मुझे 10 वीडियो मुझे बनाना है। तो आपको समझ में आता होगा कि आप मेरे जो बोलने के साथ आपको समझ में आएगा कि कितना मुझे तकलीफ मुझे इसमें लेना पड़ता है। तो इस तरह से मैं रिव्यू करता हूँ और इस तरह से ये मेरा एक टेक्निक मैंने नया एक फाइंड आउट किया। और मैं नहीं चाहता कि ये टेक्निक पूरा फैले ताकि फिर और भी लोग इसे करके फिर इसी तरह से लोग रिव्यू करेंगे और फिर मेरे को फिर कंपटीशन फिर मेरा बढ़ जाएगा। अभी इस वक्त मेरे पास कोई कंपटीशन नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। एंड तो इसी की वजह से इसी के लेकर, लेकिन यहाँ पर जो रेडमी और जो बोट है ना, इसका मैंने रिव्यू मैंने मंगाया नहीं, इसका मैंने सिर्फ अपने वो दुकान से मैंने सिर्फ देखा, सिर्फ साउंड क्वालिटी टेस्ट किया। तो यहाँ पर मैं सिर्फ साउंड क्वालिटी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और बैटरी डेफिनेटली मैं बोलूँगा इसका डेफिनेटली अच्छा काम करता है, बिकॉज मैंने इसका रिव्यू भी काफ़ी सारे मैंने देखे है, तो बैटरी भी काफ़ी अच्छा काम करता है। एरोमा के साथ मैं आज कंपेरिजन करूँगा बोट रॉकर्स का 333 का, तो ये भी काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट मैं बोलूँगा, क्योंकि 1500 रुपये का प्राइस पे आता है और 1500 रुपये के प्राइस रेंज पर क्या बोट रॉकर्स आपको लेना चाहिए, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको एरोमा का, अगर आपको कोई भी सर्विस सेंटर को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ पर विजिट करके आप जाके देख सकते हो। ओके, चलो अब यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो इसकी साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पर जो मैंने बोट रॉकर्स 255 का जो बनाया था ना, तो उसने थोड़ा सा निराश किया था, लेकिन इसने निराश नहीं किया भाई साहब। इसका क्वालिटी है, इसमें क्वालिटी मेरे को देखने को मिला। इसका क्वालिटी जो है वो एरोमा टाइटेनियम को डेफिनेटली कुछ मार्जिन से ये आगे निकल जाता है। इसका क्वालिटी से मुझे सही में अच्छा लगा। तो अगर आप एक म्यूज़िक लवर हो तो बोट रॉकर्स 333 आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। साउंड क्वालिटी के मामले में आप पूछोगे तो हर एक चीज़ बहुत अच्छा है, एक चीज़ आपको कम मिलेगा, जो साउंड है ना, वॉल्यूम थोड़ा आपको कम मिलेगा, बिकॉज इसमें क्वालिटी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है, उस वजह से आपको वॉल्यूम थोड़ा कम मिलता है, वॉल्यूम थोड़ा आपको कम मिलेगा। और एरोमा में वॉल्यूम आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, बिकॉज उसमें ऐसा नहीं कि क्वालिटी कम किया गया है, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा आपको ज़्यादा मिलता है टाइटेनियम में। तो ओवरऑल क्वालिटी वाइज मैं बोलूँगा बोट रॉकर्स जो है थोड़ा बेहतर काम करता है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ कॉल कनेक्टिविटी की, तो डेफिनेटली बोट रॉकर्स इज़ द विनर, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क को लेकर, ब्लूटूथ को लेकर और कॉल क्वालिटी को लेकर जो एक्सपीरियंस मेरा जो रहा है वो डेफिनेटली बोट रॉकर्स का, बिकॉज ये मेरे इनिशियल मैंने करके देखा है। एरोमा का भी बहुत अच्छा है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्या कि बीच बीच में नेटवर्क की कभी इशू आएंगी, कभी कभार बीच बीच में होगा, ऐसा कभी तो 2 हफ्ते में एक बार हो सकता है या फिर, लेकिन होंगे, ये तो मेरे को हुआ है तो आपको भी शायद हो सकता है। बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो भाई आपको जो बोट है आपको 30 आवर का बैटरी देता है, इसको 10 मिनट अगर आप चार्ज करोगे तो आपको 10 आवर का बैटरी बैकअप मिलेगा, जो कि मुझ जैसे लोग के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर मुझे, लेकिन मैं 1500 रुपये तो इसमें वेस्ट नहीं करने वाला, मेरे को ऐसा कोई एयरफोन चाहिए जिसका भले क्वालिटी थोड़ा कम हो, साउंड का मुझे चल जाएगा, पर 10 मिनट में 10 घंटे चार्ज करके मिल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो इतना टाइम आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 10 घंटा आपका एक दिन आराम से, 10 मिनट आपका, 10 घंटा आपका एक दिन आपका आराम से चल जाएगा। एरोमा में 48 आवर्स होता है, 3 घंटे चार्ज करने लगता है, तो हैवी यूसेज पर वो ढाई दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। और यहाँ पर जो है जो बोट को फुल चार्ज करने के लिए 1 घंटे लगेंगे, जिसमें आपको 30 आवर्स मिले। तो डेफिनेटली यार बहुत बढ़िया है बोट का यहाँ पर मुझे लगा है, लेकिन प्राइस 1500 to 1600 है, तो मेरे हिसाब से वर्थ इट है, ये वर्थ है, वर्थ कर रहा है, वैल्यू फॉर मनी मैं डेफिनेटली बोलूँगा ये है। तो कंक्लूजन यही निकलता है वीडियो का कि भाई दोनों ही प्रोडक्ट अपने अपने प्राइस के हिसाब से बिल्कुल सही। अगर आप चाहते हो कुछ अलग, कुछ हटके मिले, तो भाई बोट रॉकर्स की तरफ जा सकते हो, साउंड क्वालिटी भी उसका बढ़िया। अगर आपका बजट कम है तो आप टाइटेनियम की तरफ भी जा सकते हैं।